नमस्कार। साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। इस टॉपिक में हम अलग अलग प्रकार के सिनेरियोस में किस प्रकार से ट्रेडिंग इमोशंस, साइकोलॉजी और टाइमिंग ये आपके ट्रेड पे किस प्रकार से असर डालती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी ट्रेड में सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आप सही करें। नंबर वन, इमोशंस को कंट्रोल करना। नंबर टू, टाइमिंग। टाइमिंग के अंदर एंट्री और एग्जिट दोनों आते हैं, और ये एंट्री और एग्जिट जो होती है वो इमोशंस या साइकोलॉजी के द्वारा किस प्रकार से कंट्रोल होती है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा बताऊंगा कि किस प्रकार से लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते या साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग में किस प्रकार से वो लॉस में जाते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। सबसे पहली चीज जिसे आपको कंट्रोल करते आना चाहिए वह है ग्रीड या लालच। मैं इसको उदाहरण से समझाता हूं कि यह लालच कैसे लोगों को ले डूबता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, एक ट्रेडर है, उसने 1000 शेयर्स 294.50 रुपीज के प्राइस पे खरीदे। अब मान लीजिए कुछ दिनों में उसका प्राइस बढ़ते बढ़ते 310 रुपए पे आ गया। ये ट्रेडर प्रॉफिट में है इस समय, और इसको लगता है कि 310 रुपए एक अच्छा टारगेट है, मैं इसको 310 रुपए में बेच देता हूं। अब हमारा जो ट्रेडर है वो अपने 1000 शेयर 310 रुपए में बेच के निकल जाता है। अक्सर आप में से कई लोगों ने देखा होगा, और ये सबके साथ होता है, खास करके सभी ट्रेडर्स के साथ कभी ना कभी लाइफ में ये घटनाएं होती हैं कि आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पे अपना स्टॉक बेचते हैं। जैसे यहाँ पे इसने 310 पे बेचा, और उसके तुरंत बाद ही वो शेयर और ज़्यादा उठते जाएगा। अब हमारा जो ट्रेडर है उसने 294.50 पे 1000 शेयर खरीदे, 310 पे बेचे, और अगले दिन उठ के देखा तो ये प्राइस 315 हो गया। धीरे धीरे उसने देखा कि आने वाले 5, 10, 15 दिन में ये प्राइस 310 से और आगे जा करके 340 पे चले गया। अब यहाँ पे जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी या इमोशंस आते हैं वो ये है कि हमारा जो ट्रेडर है वह इस प्रॉफिट से खुश नहीं है जो उसने यहाँ पे 15 रुपये 50 पैसे का 1000 शेयर्स पे प्रॉफिट कमाया, वह उससे खुश नहीं है। बल्कि हमारा ट्रेडर जो है वो इस बात से दुखी हो जाएगा कि अरे यार, मैंने शेयर्स बहुत जल्दी काट दिए, काश मैं 20-25 दिन और रुक जाता तो मेरे को और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। यही लालच जो है और यही जो दुख है, ये इमोशंस जो है, ये साइकोलॉजी है, ये उसको अगले ट्रेड में लेके डूबती है। वो कैसे? अब अगली बार वो ट्रेडर किसी और कंपनी के शेयर्स, 1000 शेयर्स 213 रुपये 20 पैसे के भाव पे उठाता है। अब अगेन ये जो शेयर्स हैं ये बढ़ते बढ़ते 220, फिर 225, और इस प्रकार से 220 और 225 के बीच में घूमते रहते हैं। अब जब कोई शेयर बहुत लंबे समय तक कोई दो प्राइस मार्जिन के बीच में घूम रहा है और आपको उसकी, उस शेयर का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा और आप प्रॉफिट में बैठे हैं, तो अकलमंदी ये कहती है कि आपको अपना सौदा काट के निकल जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा ट्रेडर है उसके मन में क्या होता है, पिछले ट्रेड की बात भरी होती है कि मैंने सौदा काट दिया था उसके बाद वो बढ़ गया। अब वो क्या होता है कि वो व्यक्ति यहां पे अपना सौदा प्रॉफिट में होते हुए भी नहीं काटता है। और अगेन ये चीज बहुतों के साथ आप में से हुई होगी कि जब आप प्रॉफिट में अपना सौदा नहीं काटते हैं वो सौदा धीरे धीरे लॉस में जाने लगता है। अब यहां से कई बार क्या होता है, ये शेयर वापस अब गिरना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम आएगा 213 से भी नीचे चले जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये 200 रुपए से भी नीचे चले जाएगा, और अब जो हमारा ट्रेडर है वो लॉस में बैठा हुआ है। तो ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, या इमोशंस या ग्रीड या लालच को कंट्रोल नहीं करना होता है, जो कि लॉस का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप ट्रेड करें, एक तो आप अपने लालच को कंट्रोल करें, दूसरा
आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, एक हमेशा एक आप सेट मार्जिन बना लीजिए कि ठीक है मेरे को 10% का प्रॉफिट बहुत है, 15% का प्रॉफिट बहुत है, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा, उसके बाद शेयर आगे कहीं भी चले जाए उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पार्ट में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा, जो है एवरेजिंग द लॉसेस। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि अनुभवी ट्रेडर्स, जो कि बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी होते हैं या नए ट्रेडर्स होते हैं, वो ये गलती करते जाते हैं और लॉस में बैठते हैं। तो आइए समझते हैं एवरेजिंग द लॉसेस क्या होता है। मान लीजिए कोई एक ट्रेडर किसी कंपनी के 500 शेयर्स 187.50 रुपीज़ के भाव पे खरीद लेता है। अब उसने 187.50 के भाव पे 500 शेयर खरीद लिए कि चलो ऊपर जाएंगे तो मैं बेच दूंगा। अब ऐसा होता नहीं है और वो शेयर नीचे गिर जाता है। अब ये पोजीशन जो है आपके साथ इंट्राडे में भी हो सकती है या आपने डिलीवरी पे कोई वो शेयर्स लेके बैठा हो, दोनों केसेस में ये एवरेजिंग द लॉसेस की सिचुएशन आती है। हम इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचते हैं। तो अब हमारा ट्रेडर है, उसने 500 शेयर्स खरीदे 187.50 के भाव पे और शेयर नीचे गिर गया। अब मान लीजिए गिर के ये 183 पे आ गया। अब क्या होगा, जो हमारा ट्रेडर है वो ये सोचेगा 187.50 था, उसका टारगेट तो है 195 का। अब वो कहता है यार ए 183 पे आ गया, यहां पे वो क्या करेगा, लॉस में बैठा हुआ है लेकिन फिर अगेन 500 शेयर्स और खरीद लेगा। किस लिए, कि उससे उसकी एवरेज प्राइस, एवरेज बाय प्राइस जो है वो 187.50 और 183 के बीच में आ जाएगी। और वो सोचेगा कि जैसे ही मेरी एवरेज प्राइस आ जाएगी मैं इस शेयर से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन आमतौर पे मार्केट में ऐसा होता नहीं है, होगा ये कि ये शेयर यहां से और नीचे गिरते जाएगा। अब जैसे ही ये शेयर मान लीजिए 176 पे आ गया, वो आदमी क्या करेगा, यहां पे आने के बाद फिर से 1000 शेयर्स और खरीद लेगा। अब क्या हो रहा है, वो व्यक्ति दरअसल गिरते हुए शेयर को खरीदते जा रहा है। किस लिए, कि उसका जो एवरेज बाय प्राइस है वो और नीचे 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 शेयर के पास आते जाए। मतलब ही इज ट्राइंग टू कैच द फॉल ऑफ द शेयर, वो ही इज एवरेजिंग द लॉसेस। और ये एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी हो जाती है अगर शेयर का दाम नीचे गिरते जाए लगातार। ये तब ठीक है जब आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है जिसको आपने उठा के रख दिया, 5-10 साल तक देखने की जरूरत नहीं कि चलो ठीक है मैं लॉस एवरेज कर रहा हूं, ये शेयर नीचे जाके भी बैठा रहे कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स जो बाजार में, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं मैं, यहां इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्टर्स तो खैर दे कैन एवरेज द लॉसेस, लेकिन जो ट्रेडर्स है जिनके पास शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट पूंजी है और बाजार में से पैसा कमाना है, वो जब इस प्रकार से अब गिरते हुए शेयर्स में एवरेज करते जाते हैं तो ये एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी उस समय कई बार बन जाती है। अगर अब मान लीजिए अगर इस शेयर का प्राइस 150 पे आकर के रुक जाए तो क्या होगा, कि उस वो व्यक्ति अब 2000 शेयर्स लेके बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा लॉस में है। और वही अगर जब उसने 500 शेयर्स लिए थे 187.50 पे और वो शेयर नीचे जा रहा था 183 की ओर, उसी समय अगर वो व्यक्ति ये समझ जाता कि नहीं यार इस शेयर को अब मैं कैच नहीं कर पाऊंगा, बाजार से नहीं लड़ पाऊंगा, और वो इसके बीच में ही अपने सौदे बेच के निकल जाता, तो उसको इतना लॉस नहीं होता जितना कि उसने इसको एवरेज करने में लगा दिया। तो ये एवरेजिंग द लॉसेस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज विच समटाइम्स, और सॉरी विच मोस्ट ऑफ द टाइम लीड्स टू लॉसेस। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रेटेजी गलत है, ये स्ट्रेटेजी ठीक है जब आपके पास काफी पैसा है और आपके पास एक बहुत लॉन्ग होराइजन है, बहुत लंबा समय है आपके पास कि आप बाजार में रुक सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, तब करें। नहीं तो जहां तक हो सके अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो उसको और नीचे खरीद करके
अपने लॉस को एवरेज करने की कोशिश ना करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। इस थर्ड पार्ट में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रेडिंग के पहलू पे बात करेंगे, जो कि है एग्जिटिंग द लॉसेस। एग्जिटिंग द लॉसेस में क्या होता है बेसिकली, कि मैंने ये देखा है कि, और आप में से भी कई ट्रेडर्स ने देखा होगा, कि अक्सर 70% आपके जो सौदे होते हैं वो एक न एक बार तो प्रॉफिट में आते ही हैं और उसके बाद लॉस में चले जाते हैं, या अगर वो लॉस में गए हो उसके बाद वो एक न एक बार आपको ऐसा मौका जरूर देते हैं कि जब आप उस लॉस से एग्जिट कर सके। और यहीं पे जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं ये कैसे होता है। और यहाँ पे मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है ये इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सब जगह पे ये लागू होती है। अब मान लीजिए हमारा एक ट्रेडर है, उसने 1000 शेयर्स 354 रुपए के भाव पे खरीदे। अब कुछ ऐसी विडंबना हुई कि उसने शेयर्स खरीदे और खरीदते बराबर ये नीचे जाना शुरू हो गया। अब ये 354 से गिरते जाता है, गिरते गिरते 345 पे आ गया, और अब ये 345 से लेकर के 347 के बीच में झूल रहा है। हमारा जो ट्रेडर है वो इस समय लॉस में बैठा हुआ है। अब बीच में अचानक ये गिर करके एक समय आता है 337 तक चला जाता है। यह जो हमारा ट्रेडर है अगेन वो और ज़्यादा लॉस में बैठा हुआ है, लेकिन पेशेंस है, इन्वेस्टर की तरह बैठा हुआ है। अब अक्सर और हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ये मौके आते हैं कि ये शेयर वापस उठना शुरू हो जाता है, और उठते उठते एक समय आता है जब ये शेयर 354 को क्रॉस करके 355 तक पहुंच जाएगा, या ये समझ लीजिए 354, 355, 353 की रेंज में पहुंच जाएगा। अब यहां पे देखा जाए तो क्या है कि हमारा ट्रेडर जो था वो एक बहुत लंबे समय तक लॉस में बैठा रहा, उस लंबे समय तक उसने उस लॉस को झेला, उसके बाद अब ये शेयर वापस उस पोजीशन पे आ गया है जहां पे वो अपने लॉस से एग्जिट कर सकता है, या तो बहुत ही कम, थोड़ा से कम मार्जिन, बिल्कुल छोटे से लॉस में, या हल्के से प्रॉफिट पे, या नो प्रॉफिट नो लॉस में। और यहीं पे बहुत बड़ी गलती ट्रेडर्स करते हैं। वो क्या करते हैं कि अब वो आशा ला के बैठ जाएंगे कि नहीं यार ये यहां आ गया, अब ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। अरे जब आपने बहुत लंबे समय तक लॉसेस देख लिए, अब वो आपकी जो पैसा जो फंसा हुआ है वो वापस आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे जो पिछले दो तीन मेरे सीरीज है उसमें हम ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात नहीं हो रही है। एज ए ट्रेडर अगर आपका लॉस कवर हो रहा है तो अकलमंदी ये कहती है कि आप नो प्रॉफिट या नो लॉस में निकल जाए, बजाय इसका वेट करने के कि अब ये 354 से ऊपर 375 पे जाएगा तो ही मैं बेचूंगा। नहीं, अगर आपका लॉस निकल रहा है तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि ठीक है मैंने लॉस देख लिया 10-15-20 हज़ार का, अभी मैं बच रहा हूँ, मैं निकल जाऊँ। तो ये एक एडवाइस है, ज़रूरी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो शेयर अगर आपको 337 का प्राइस दिखा चुका है और वो वापस 353 पे आ रहा है, बहुत हद तक गुंजाइश है कि वो वापस इस रेंज में चले जाए, और ऐसा होता भी है। मैंने ज़्यादातर ट्रेडर्स जो लॉस में आए हैं उनको देखा है, 337 तक शेयर आ गया, चढ़ते चढ़ते वापस उनके बाय प्राइस के पास में आ गया, लेकिन अपने सौदे नहीं काटे और वेट करते रहे, और अब क्या होगा, वो वापस गिरेगा 337, यहाँ से वो और 325 पर चले जाएगा, और कई बार लोग हताश या परेशान होकर के 325 पर सौदा काट देंगे लेकिन यहाँ नहीं काटेंगे। तो ये एक चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिए कि आपका पहला जो उद्देश्य स्टॉक मार्केट में वो है, वो ये है अपना पैसा बचा के रखना। प्रॉफिट बाद की बातें होती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट पहले सिक्योर रहे, वो भी इस चीज़ का भी ध्यान रखिए।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर्स भी उनको बोला जाता है जो कम से कम 5 या 10 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं। आप 5 या 10 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं तो शेयर कई बार 20-30% भी टूट जाए तो डरने की बात नहीं होती। बाजार में इतना उतार चढ़ाव, साइन कर्व चलता रहता है, तो आप उस केस में तो आप आराम से रुक के बैठ सकते हैं। यहाँ पे हम उन ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं जिनके पास एक छोटा टाइम ड्यूरेशन है, महीने, 15 दिन, 2-3 महीने में जो कुछ पैसा लगा करके प्रॉफिट कमा के निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए बात हो रही है। इसी से जुड़े हुए और टॉपिक पे मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। थैंक यू।